हे गाइस, हिमांशु हेयर बैक अगेन विद अनदर फ्रेग्रेंस रिव्यू। तो अगर आप नए हो चैनल पे, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग फ्रेग्रेंस रिव्यू। आई डू फ्रेग्रेंस रिव्यूज फॉर यू गाइस। जितने भी फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट हैं मेरे चैनल पे, या तो नए कलेक्टर्स हैं या तो फिर उनको कुछ सालों की नॉलेज है, इस वीडियो में मेरा मोटिव है आपको बेस्ट फ्रेग्रेंस बताना मेरे कलेक्शन में, जिनके सबसे बेस्ट ड्राई डाउन्स हैं। अब ड्राई डाउन अगर आप जानते ही होंगे, अच्छे परफ्यूम के अंदर उसका ड्राई डाउन ही होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ड्राई डाउन ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बिकॉज ओपनिंग आपकी 15 मिनट 20 मिनट के बाद फेड हो जाती है, उसके बाद आपका फ्रेग्रेंस डिवेलप हो जाता है। अगर आप अच्छे ब्रांड का फ्रेग्रेंस ले रहे हो तो वो डेफिनेटली डिवेलप होता है। देर आर एक्सेप्शंस, कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसे डिवेलप नहीं होते, वो थ्रू आउट एक जैसे रहते हैं, लेकिन उनकी कॉम्पोजिशन ही वैसी होती है। जैसे हम स्पाइस बॉम की बात करें, वो थ्रू आउट ऑफ पॉइस स्पाइसी थोड़ा सा ही उनके अंदर चेंज आता है, ज़्यादा नहीं आता। तीन फ्रेग्रेंस की बात करेंगे जो कि सबसे अच्छे होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा लंबा होगा, बेयर विद इट बिकॉज इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा है। यू विल बी हैप्पी टू सी दिस वीडियो बिकॉज इसके अंदर अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आपको मैं बताऊँगा कि कैसे स्टेज से फ्रेग्रेंस निकलता है और कौन सा फ्रेग्रेंस आपके लिए बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कीप वॉचिंग। शैनेल का इगोइस्ट, इसका ड्राई डाउन टबैको प्लस कुछ वुडी नोट्स हैं इसके अंदर। ये फ्रेग्रेंस अपना सिनेमन और टबैको नोट के लिए जाना जाता है। इसका ड्राई डाउन ऐसा है कि ये चेंज हो जाता है, जैसे मैंने बताया, एक अच्छा फ्रेग्रेंस एकदम चेंज हो जाता है। वो जैसा ओपनिंग में स्मेल करता है, अपने फर्स्ट स्प्रे करते हो, आपको जो ओपनिंग में कुछ नोट्स स्मेल करते हो आप सिट्रस वाले, वो एकदम ड्राई होकर के कुछ डिफरेंट वुडी या फिर कुछ स्पाइसी, कुछ अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। ये वन ऑफ दैट एग्जाम्पल है, जो कि स्टार्टिंग में तो आपको एक सिनेमन, हल्का सा सिट्रस, हल्का सा सिनेमन शार्पनेस आपको स्मेल होगी, लेकिन उसके तुरंत बाद ये फ्रेग्रेंस 15-20 मिनट के बाद जब ड्राई डाउन होता है तो ये एक क्रीमी, इसमें वनीला का नोट आ जाता है, टबैको का नोट आ जाता है, जो कि टबैको बहुत ही प्लेजेंट स्मेल करता है, सेक्सी स्मेल करता है, कोई ऐसा सिगरेट टाइप नहीं स्मेल है आपको इसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। एम्बर, रोजवुड, टबैको, सैंडलवुड एंड वनीला, दैट नोट्स, क्रीमी टबैको का नोट इसमें आता है। डिफाइन कर पाऊँ तो क्रीमी टबैको, वनीला विद टबैको को आप मिक्स करके देखो, इमेजिन करके देखो, वैसा स्मेल है। वेरी मिस्टीरियस, वेरी मैनली एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस। शैनेल के फ्रेग्रेंस बहुत होते हैं हाई क्लास, अप क्लास फ्रेग्रेंस होते हैं वो बहुत। ये एक ऐसा एग्जांपल है, इसका नाम है इगोइस्ट, नॉट इन अ बैड वे, लेकिन द पर्सन हु नोज हिज ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, वैसा स्मेल करता है, वेरी क्लासी। दूसरा फ्रेग्रेंस हमारा सेम हाउस शैनेल से है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस भी मास्टरपीस है गाइस, शैनेल एलियोरम स्पोर्ट एडिशन ब्लांच। शैनेल एलियोरम स्पोर्ट के बहुत सारे वेरियंट्स हैं, ये उन सबसे डिफरेंट स्मेल करता है। अगर आपने एलियोरम स्पोर्ट के दूसरे स्मेल किए फ्रेग्रेंसेस, चाहे वो एक्सट्रीम हो, स्पोर्ट हो, वो एक अलग स्पोर्टी, थोड़ा सा अलग डायमेंशन है, लेकिन ये एकदम डिफरेंट डायरेक्शन है। ये एक गोरमॉन फ्रेग्रेंस है, एक एडेबल फ्रेग्रेंस है, जिसको हम एक टेस्टी डिलीशियस फ्रेग्रेंस कह सकते हैं, जिसे अब खाने का मन करें। इसकी स्मेल लेमन मरैंग पाई जैसी है। मरैंग पाई हमारे इंडिया में फेमस नहीं है इतना, लेकिन एक डिज़र्ट है ये समझ लीजिए, जो क्रीमी केक टाइप का स्मेल करता है, जिसके अंदर लेमन का नोट है, लेमन केक जिसे हम कह सकते हैं इस फ्रेग्रेंस को। इसकी ओपनिंग सिट्रसी है, ब्यूटीफुल ओपनिंग से लेके एंड तक ये थ्रू आउट फ्रेग्रेंस इतना अमेजिंग है कि मैं क्या बताऊँगा। लॉन्ग लास्टिंग है, 10 आवर्स प्लस देंगे सारे फ्रेग्रेंस जितने मैं रिकमेंड करूँ। डिनर नाइट पे आप किसी ज़्यादा मुझे डिनर पे जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ भी जा रहे हो, तो ये तब वेयर करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओकेजन में लगेगा। वैसे तो ये सिट्रस फ्रेग्रेंस है, तो आप इसको समर में भी पहन सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा थोड़े से कूलर एटमॉस्फेयर में पहनो। अब लास्ट फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फ्रेग्रेंस है, ये है टॉम फोर्ड नोआर एक्सट्रीम। अब ये फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे, स्वीट डिलिशियस, हल्का सा फ्लोरल, जो कि जैस्मिन और रोज के ब्लेंड्स हैं, सैफ्रन, वनीला, कार्डमम यानी इलायची, नटमेग, तो अब समझ ही गए होंगे, एक स्पाइसी वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, वार्म स्पाइसी स्वीट फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसका ड्राई डाउन, गाइस यू वोंट बिलीव, ये चेंज इतने हद तक हो जाता है कि ये एक लिपस्टिक जैसा वैक्सी स्मेल करने लगता है, स्वीट लिपस्टिक वैक्सी काइंड ऑफ। आई लव दिस काइंड ऑफ
कॉम्पोजिशन, अगर आप एक अच्छी चीज़ स्मेल करना चाहते हो तो गाइज ये फ्रेगरेंस ज़रूर ट्राई करना, टॉम फोर्ड नोआर एक्सट्रीम। इस जैसा एक फ्रेगरेंस मैं आपको एक और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, डियोर ओम इंटेंस, जो कि वैक्सी बहुत ही हैवी थिक लिपस्टिकी वाइब देता है, वो भी ककाओ एम्ब्रिट का नोट, चॉकलेटी नोट मिलता है विद आयरिस। आयरिस एक ऐसा फ्लोरल है, फ्लावर है, जो कि लिपस्टिक की वैक्सीनेस जैसी स्मेल देता है, थिक स्मेल देता है, मेकअप बॉक्स जैसी स्मेल देता है, जो लेडीज़ के मेकअप बॉक्स होते हैं वैसी स्मेल देता है आयरिस, क्योंकि उनकी लिपस्टिक्स में ज़्यादातर आयरिस का यूज़ होता है। इस फ्रेगरेंस में वैसी वाइब आती है, लेकिन इसमें आयरिस का नोट्स नहीं है। फ्रेग्रेंटिका पे मैंने चेक किया तो उसमें आयरिस का नोट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक लिपस्टिक वाइब देता है इन अ बेस्ट सेक्सीएस्ट वे। तो ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, लेकिन अ मैन कैन ऑल्सो पुल दिस ऑफ। आई लव टू फियर दिस फ्रेगरेंस एंड पीपल लव दिस फ्रेगरेंस ऑन मी। तो अ गाय कैन डेफिनेटली पुल दिस ऑफ। इसकी स्मेल, इसमें एक नोट है जो कुल्फी है, ये कुल्फी फ्रेगरेंस के नाम से जाना जाता है, टॉम फोर्ड नोआर एक्सट्रीम। इंडियंस को ज़्यादा कुल्फी का नोट इसमें नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कुल्फी कैसे स्मेल करता है, लेकिन ये वेस्टर्न परफ्यूमरी है तो उन्होंने एक कुल्फी का नोट इसमें अपना डालने का, एडिशन करने का कोशिश किया, और फ्रेग्रेंटी को भी आप देते हैं, लेकिन मुझे कुल्फी जैसा कुछ नहीं। लेकिन ये फ्रेगरेंस इन टर्म्स ऑफ स्मेल, लॉन्जेविटी, परफॉर्मेंस, किलर फ्रेगरेंस है। एक होता है लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस, ये है सुपर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस, 10 hours मिनिमम फ्रॉम दिस फ्रेगरेंस। आप ये नाइट में पहनोगे तो सुबह आपको एक अमेजिंग स्वीट वैक्सी काइंड ऑफ स्मेल के साथ आप उठोगे। टू मेनी मेमोरीज फ्रॉम दिस फ्रेगरेंस गाइस। इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा नोट जो मिलता है वो है स्पाइसी नटमेग का नोट, अलॉन्ग विद सैफरन, एम्बर इज देयर, वनीला इज देयर, कार्डमम इज देयर, देन फ्लोरल्स, आई गेट सम रोज, जैस्मिन, वेरी मिस्टीरियस, वेरी सेक्सी फ्रेगरेंस। Both men and women can pull this off and dries down into an amazing makeup vibe. Tino fragrance meri favorite hain. So I hope you enjoyed this video, you liked the information which I gave you. Ye teen fragrances meri recommendation hai aap sab logon ke liye. Main tino fragrances ke bottles 10ml 100ml ki bottle recommend nahi karta hu, because sare hi 10,000 se starting hai. Jaise for example Tom Ford Noir Extreme ki around 8,000 10,000 rupees tak ka milega aapko. तो सबसे चीपेस्ट इस लिस्ट में यही है। फिर उसके बाद दोनों चैनल्स हैं जिसकी भी मैं बॉटल रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज तीनों ही, दोनों बॉटल्स ही आपको 13,000 से 15,000 रुपए की मिलेंगी, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं आपको इन तीनों के 10ml के डिकेंट्स ही रिकमेंड करता हूँ। अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप इनमें से किसी एक का बॉटल ले सकते हो। मुझे लोग कहते हैं बजट फ्रेंडली फ्रेगरेंसेस के बारे में, तो मैं उनके रिव्यू तो ऑब्वियसली करता रहूँगा, लेकिन अगर आप एक असली ट्रू फ्रेगरेंस एंथुजियास्ट हो तो आप इन फ्रेगरेंस को ज़रूर ट्राई करोगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिव इन आर्ट, पीस।